नमस्कार, INN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। फिरोजाबाद जिले में अवैध शराब पकड़ी जाने के बाद थाने पर एकत्रित हुई शराब को नगला खंगर पुलिस द्वारा विनिश्चयकरण कराया गया। CO कमलेश कुमार सिरसागंज ने भास्कर को जानकारी देते हुए बताया कि जिले भर में कहीं भी अवैध शराब की बिक्री या शराब की भट्टियां चलते हुए पाई जाती है, वहां पुलिस छापेमार कार्रवाई करते हुए जब्तीकरण करती है। उन्होंने बताया कि थाना नगला खंगर पुलिस टीम द्वारा 31 मुकदमों में पकड़ी गई 11,200 लीटर शराब, जिसकी कीमत लगभग 34 लाख रुपए है, उसका विनिष्टीकरण कराया गया। नवीन कुमार की देखरेख में थाना परिसर में ही गड्ढा खोदकर शराब को नष्ट कराया गया। सभी मामलों में से प्रत्येक ब्रांड के एक एक सैंपल परीक्षण हेतु सुरक्षित रखे गए। जनपद फिरोजाबाद से संवाददाता विजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में 31 अभियोगों से संबंधित कुल जो है 11,230 लीटर देसी और अंग्रेजी अवैध शराब जो विभिन्न अभियानों के दौरान बरामद हुई थी, उसको आज जो है सैंपलिंग पश्चात बाकी शराब को जो है नष्ट करा दिया गया है। और इस तरह टोटल जो है 31 अभियोगों से संबंधित 11,230 लीटर शराब को नायब तहसीलदार सिरसागंज की उपस्थिति में थाना नगला केंद्र पर नष्ट करवाया गया।